धुले शहर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु पुलिस को बीती रात खाना खाने के बाद अचानक परेशानियां होने लगी, उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके चलते 68 लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से हीरे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज शुरू होने के बाद उनकी हालत स्थिर हुई। वहीं अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल ने दी है। नवनियुक्त पुलिस छात्रों को धुले स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इस स्थान पर उनके रहने के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। उन्हें दोपहर और रात का खाना भी समय पर दिया जाता है। बीती रात के खाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पल भर में एक के बाद एक खाना खा चुके 29 प्रशिक्षुओं को उल्टियां होने लगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से हीरे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्रारंभिक जाँच में ये सामने आया कि उन्हें भोजन या पानी से विजबाधा हुई है। हालांकि समय पर इलाज के कारण सभी की हालत स्थिर हो गई, ऐसा डॉक्टर ने कहा।